नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह रीट का रिजल्ट है वो जारी हो गया। काफ़ी विद्यार्थियों के जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके नंबर बोर्ड की आंसर की में मिलाने के बाद भी कम हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी ये कह रहे थे कि बोर्ड की आंसर की में जो हमने अपने नंबर जितने चेक किए हैं, किसी के कितने भी हों, अब जो रिजल्ट आएगा तो उसमें कुछ बढ़ के ही आएंगे, कम होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर कम हुए हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से अपनी आंसर की मिलाई है, तो इसका मतलब है कि पहले जो बोर्ड ने आंसर की मानी थी उसमें भी उसने चेंज किया है। बोनस वगैरह देने की बजाय उन्होंने जो क्वेश्चन पहले सही माने थे उनको उन्होंने गलत मानते हुए उसका अलग उत्तर भी माना होगा, तभी नंबर कम हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, देख सकते विद्यार्थियों तक शेयर करें और किन किन विद्यार्थियों के नंबर रिजल्ट में कम हुए हैं आंसर के मिलाने के बाद भी, तो वो विद्यार्थी कमेंट करें ताकि हमें पता लगे कि किन किन विद्यार्थियों के कितने कितने नंबर जो है कम हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मार्कशीट है जिसके अंदर अभी जो रिजल्ट है वो है 114 नंबर। लेकिन इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जब इन्होंने बोर्ड के आंसर की से अपने जो क्वेश्चन मिलाए थे उस समय ऐसा नहीं था कि उन्होंने पेपर मिलाया था। जो आंसर अपने सीट होती है, आंसर सीट कार्बन कॉपी, उसमें जो ब्लैक गोले भर रखे हैं उनको अच्छे तरीके से उन्होंने मिलाया आंसर की में और इनके नंबर आ रहे थे 117। अब जब रिजल्ट आया तो उसमें 114 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उम्मीद यही थी कि 117 से दो तीन नंबर जैसे सभी के बढ़ रहे हैं तो प्लस आएंगे तो इनके नंबर 120 के आसपास हो जाएंगे, शायद इनका सिलेक्शन जब आसानी से हो भी जाए, बीएससी में अगर अच्छे परसेंटेज हों तो यहाँ तक शायद मेरिट आराम से आ जाएगी। लेकिन 114 आने का मतलब है कि जो बोर्ड की आंसर की पहले उन्होंने दी है उसमें भी कुछ चेंज हुआ है। बोनस देने के बजाय उसमें वापस से कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, उससे नंबर घटे हैं। लेकिन सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, कुछ विद्यार्थियों के साथ मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। तो ये क्यों हुआ है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करें किन किन विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है और कितने कितने नंबर कम हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।